वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है 2nd of May और मैं हूँ आगरा में, और इस वाले व्लॉग में आप देखने वाले हो कि आगरा फोर्ट शाहजहाँ का था एंड उसकी हिस्ट्री और बहुत कुछ, स्ट्रीट फूड, बहुत कुछ एंजॉय करने वाले हो आप आगरा में। और ये है मेरा होटल। आपने लास्ट वाला व्लॉग अगर देखा होगा यूपी सीरीज का तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ रुका हूँ। ये है ग्रैंड इंपीरियल होटल और पूरा हेरिटेज होटल है। और ये देखो जो मेरा रूम था, ये है एम्परर अकबर। तो व्लॉग में स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जब बात है ना। आप निकलते हैं, मैं पी रहा हूँ डाइट कोक। थोड़ी सी गर्मी है लेकिन जो यहाँ की शाम होती है माशाल्लाह कमाल होती है। वेलकम टू द सिटी ऑफ मुगल्स। अब चलते हैं और निकलते हैं। मैं आ चुका हूँ आगरा फोर्ट। इसकी कहानियाँ तो आपने खैर सुनी ही होंगी और आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ इसके बारे में। इसको रेड फोर्ट बोलते हैं बिकॉज रेड सैंड से बना था ये। इसकी हिस्ट्री के बारे में और बताऊंगा आपको जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा। काफ़ी ख़ास जगह है और अगर आप एक बार आगरा आ रहे हो तो ये तो आपको विजिट करना बनता ही है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। ऑफकोर्स ताजमहल तो ऐसा है कि वो तो जाएंगे बिकॉज मुझे सनसेट जो है ताजमहल का इन्जॉय करना है। जनरेशन से जो है ये महल बनते आ रहा था। अकबर ने बनवाया, फिर जहांगीर ने बनवाया, फिर और हाँ यहाँ से ताज भी दिखता है। अकबर के टाइम ये फोर्ट 8 ईयर से बिल्ड हुआ था। उसके बाद उसका बेटा है यहाँ पर जहांगीर। जहाँ अकबर की वैसे कोई औलाद नहीं थी तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी है, 1 घंटे का रास्ता है। तो अकबर यहाँ से नंगे पाँव गए थे। वहाँ पर एक बहुत बड़े सूफी संत है जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो अकबर ने यहाँ से जाके उनसे अर्ज़ किया था, अर्ज़ मतलब बताना, उर्दू वर्ड है अर्ज़। तो उन्होंने बोला कि मेरी कोई औलाद नहीं है। उन्होंने बोला शेख सलीम चिश्ती ने, आज के दिन अपनी वाइफ को मेरी वाइफ के बराबर में बैग से बैग मिला कर लिटा देना और हाथ उठा के गॉड से दुआ की थी कि जो औलाद मुझे आनी है गॉड वो औलाद इन्हें दे दे। तो गाइस एक चीज़ आप सब कुछ सुना आपने, लेकिन एक सबसे मतलब काफ़ी हैरान करने वाली चीज़ है कि 95 इयर्स लगे थे इस फोर्ट को बनने में। 95 मतलब 2 generations। ये देख रहे हो जहाँ से हम अभी आए थे ना, बेसिकली ये जो था यहाँ से दुश्मनों के लिए वो बड़े बड़े बॉल्स फेंका करते थे ताकि कोई एंटर ना कर पाए पूरा किला। और ये जो देख रहे हो ना चीज़ें जो बाहर निकली हैं हल्की हल्की सी चीज़ें, इसमें से गर्म तेल और पानी फेंका जाता था कि दुश्मन जो है पूरी तरीके से क्रश हो जाए। और यहाँ पे देखो थोड़ा रेजिस्टेंस दिया हुआ है ताकि घोड़े वोड़े जो हैं वो भी चढ़ सकें ऊपर। जहांगीर जी यहीं नहाते थे, ठीक है। ये उनका बाथटब था, अंदर था, यहाँ नहीं नहाते थे, बट अभी इसको जो है बाहर रख दिया गया। इसके अंदर पूरा सोना लगा हुआ था, वो जो है वो निकाल दिया गया फिलहाल। और अंदर एक होल है जहाँ से गंदा पानी निकल जाता था। अंदर एंट्री करते थे उसके वेलकम के लिए, जैसे आप शादी पार्टी में एंट्रेंस करते हो, देखते हो साइड में म्यूजिशियन बैठ रहे थे, लेकिन मुगल टाइम में यहाँ पर ड्रम्स बजते थे। ड्रम से ये हो जाता था कि अंदर के जितने भी गार्ड्स, रानियाँ, ये सब अलर्ट हो जाती थी। तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं पे राजा लोग एंट्री लेते थे। पूरा इको हो रहा है इधर, और इको इसलिए होता है ताकि अंदर पता लग जाए, ताकि अंदर पता लग जाए कि राजा आ रहे हैं और जितनी भी रानियाँ हैं वो अलर्ट हो जाए। अकबर ने और अकबर के बेटे जहांगीर ने, तो दो ये बिल्डिंग अकबर ने और जहांगीर ने। रेड स्टोन वहीं से फतेहपुर सिकरी से आया रेड स्टोन। सामने देखिए ये एक विंडो है, सामने ये आर्च बना है, ये अभी क्लोज है ना, बंद है। जैसे हम लोग यहाँ से देख रहे हैं अंदर का एरिया नजर आ रहा है रेड सैंडस्टोन बिल्डिंग, वहाँ से नजर आ रहा है नहीं, क्योंकि वो बंद है इसलिए नजर नहीं आ रहा। हाँ। अभी जो 5 रुपीज का मेरे पास कॉइन है ना, ये इस विंडो के अंदर से आपके पास आएगा। अच्छा? और आप दोनों यहीं खड़े रहिए, मैं वहाँ से फेंकूंगा, ये निकल कर आएगा यहाँ से, आप देखते रहिए। गजब चीज है यार ये। ओ इसीलिए देखो ऐसे स्लांटिंग में बना हुआ है। ये औरंगजेब की बहन का महल है। यहाँ पे ना बहुत जंगली जानवर होते थे यहाँ पे वहाँ पे, ताकि महल के कोई अंदर ना आ पाए। और दीवारों की हाइट देखो यार, एंड सामने ताजमहल देखो, इट्स ब्यूटीफुल। शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम है ये। अच्छा, और शाहजहाँ और औरंगज़ेब को मार्बल्स पसंद थे तो उनके जो महल थे वो मार्बल्स के बने थे। और जो जहांगीर रेड सैंडस्टोन जहांगीर जी को पसंद था तो उनका रेड सैंड। ये शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम एंड खास महल नाम है इसका। खास महल इसलिए
क्योंकि ये जो जितना भी ब्लैकिस्ट देख रहे हैं आप, पूरा ब्लैक ब्लैक जो देख रहे हैं, ये हर तरफ यहाँ पर गोल्ड था, जो ये सब गोल्ड था इसमें, ये सब बर्न कर दिया गया, जला दिया गया, सोना मेल्ट करने के लिए, निकालने के लिए। अच्छा, इसमें डायमंड्स थे इसमें, और यहाँ पे गोल्ड था, अंग्रेज ले गए, और ये गोल्ड पेंट है, ये गोल्ड पेंट के बाद में पेंट किया हुआ है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप टूरिस्ट आए और समझे कि ये पूरा गोल्ड से कवर था। यहाँ पे जो आप ये रूम्स देख रहे हो ना, यहाँ पे 1000-2000 रानियाँ होती थी अकबर को, लड़ता था वो नीचे जेल है, वहाँ भेज देते थे, फिर एक दो दिन बाद वापस आ जाती थी। ये सबसे सुंदर बिल्डिंग है। एक्चुअली शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था बाय हिज ओन सन औरंगजेब, तो उनको यहीं रखा गया था। और यहाँ पे ना ये जो स्टोन्स हैं, ये रियल स्टोन्स हैं, जो अभी तक हैं, रियल स्टोन्स हैं, फुल मून में चमकते हैं सारे के सारे। एक सीक्रेट टनल है, ठीक है, ये सीधा जाती है ताजमहल, पर अभी बंद कर दी गई है। क्या क्या चीज़ें हैं यार, जो है वो सब यहीं आ जाता था, उन लोगों को जो चाहिए इस बाज़ार में सब मिल जाता था, ज्वेलरीज हो, ड्रेसेस हो, एक्सेट्रा चीज़ें हो, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती थी। शाहजहाँ का जब टाइम आया तो मीना बाज़ार आउटसाइड चला गया, तो यहाँ पर वाइट पे शाहजहाँ बैठता था और वहाँ मुमताज़, और यहाँ बीच में एक पॉन्ड होता था, कलरफुल मछलियाँ होती थी उसमें, शाहजहाँ मुमताज़ यहाँ से मछली का शिकार खेला करते थे बुआंडा को। आपने देखा आगरा फोर्ट, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अब मैं निकल रहा हूँ ताजमहल, थोड़ा सा अंदर बैठेंगे। ताजमहल जो दिखता है ना, मतलब आपने फोटोज में देखा होगा, और रियल में जो है इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट। हम क्या इंडियंस, तो कई बार क्या होता है ना, हम इंडियंस थोड़ा सा सोचते हैं यार इंडिया में तो है, कभी भी चले जाएंगे, लेकिन बिलीव मी देखने में ऐसे ही नहीं है वो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको ताजमहल जाना है तो पहले इन गाड़ियों में जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से 700 मीटर है, या तो आप वॉक करके जा सकते हो या तो इन गाड़ियों में जा सकते हो, तो आप इनमें ही जाएंगे। फाइनली आई हैव एंटर्ड ताजमहल, और भाई साहब अलग लेवल की सिक्योरिटी है, प्लास्टिक अलाउड नहीं है, कुछ भी खाने पीने का अलाउड नहीं है। ताजमहल फाइनली मैं एंटर कर चुका हूँ, सेवन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मुमताज जी के लिए बनाया गया था, शाहजहाँ ने बनाया था, और एक गुफा भी थी जो वहाँ से आती है। नहीं मैं हूँ, इसको फोर कोर्ट एरिया क्यों बोलते हैं, इसके अंदर में चार गेट है इसमें। तो पहला गेट तो वो है, इसका नाम है फतियाबाद गेट। ओके, यहाँ से मुगल गेस्ट आते हैं। अच्छा, मुगल के गेस्ट आते हैं, आज भी जो है बड़ी वीआईपी होती है ना, इसी गेट से आते हैं। अच्छा, और इसको बोलते हैं सर लेबर गेट। जो 20,000 जो कारीगर थे ना ताजमहल बनाने वाले मजदूर लोग, वो इस गेट से आते हैं। अच्छा, और जिस गेट से आपने एंट्री कराया सर, इसका नाम है फतेहपुरी गेट, जहाँ से इसका स्टोन वगैरह मटेरियल वगैरह जो आता था, इस गेट से आते हैं। ये रॉयल गेट है, शाही दरवाजा ताजमहल के अंदर जाने का, ये ताजमहल के अंदर जाने का दरवाजा। इस गेट की जो हाइट है वो 105 फुट। ताजमहल, एंड आंखों को यकीन नहीं हो रहा कि ये इतना खूबसूरत है, इतना ज़्यादा। वी आर अबाउट टू एंटर ताजमहल, हम जा रहे हैं मुमताज़ जी की कब्र देखने। हाँ जी, जिसकी वजह से, जिसके लिए ये ताजमहल बनाया था, वहीं जा रहे हैं। करने के लिए दिया है, ठीक है, मुमताज़ जी की कब्र देखने के लिए आप ऐसे नहीं जा सकते। मैं पहली बार आ रहा हूँ अपनी लाइफ में ताजमहल, एंड इट इज़ अनबिलीवेबल। सीरियसली आके ही एक बार आपको देखना पड़ेगा कि कितना खूबसूरत है। इंडियंस जो हैं कई बार सोचते हैं ना कि यार चलो ताजमहल इंडिया में कभी भी देख लेंगे, लेकिन बिलीव मी सुनने में और देखने में फ़र्क है। ये जूतों में मैंने पहन लिया है ताकि अंदर डस्ट ना जाए। 1653 में ख़त्म हुआ था ताजमहल बनना, और 1631 में जो है शुरू हुआ था, ठीक है। बहुत सुंदर है यार। तो जो मार्बल है ताजमहल का, ये है मकराना मार्बल, और अंदर 64 कुएं हैं ताकि जो है वो इम्बैलेंस ना हो, और कितने भी भूकंप आए तो ताजमहल को कुछ नहीं होना चाहिए। सामने से देखोगे तो ये बड़े दिखेंगे, और वहाँ से देखोगे तो वो वाले बड़े दिखेंगे, ये छोटे दिखेंगे, हैं बिल्कुल बराबर साइज के। जो आपको लग रहा है पेंटिंग वर्क है, ये कोई पेंटिंग नहीं, ये सारा मोज़ेक वर्क है। जेम स्टोन है सारे। तो पहले इसको एक इंची गड्ढा खोदा है, ये देखें गड्ढा दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है गड्ढा। हाँ, ये गड्ढा दिख रहा है, उसके बाद ये स्टोन लगा है। अच्छा, तो जो ब्लैक वाला है जो ऑनिक्स है, जो बेल्जियम से आया था, जिसपे सोना चांदी टेस्ट कहते हैं ना सुनार लोग, कसौटी पत्ते जिसे बोलते हैं, वो वाला है। जो ग्रीन वाला है वो मालाकिट है, वो साउथ अफ्रीका से आया था। जितने भी मार्बल्स है ना, ये अलग से नहीं लगे हैं, ये इसी पे पूरा इनक्रिप्टेड है। हाँ, इसी में निकाला है।
1984 में ना 1984 तक ये ताजमहल बंद होता था रात में 3:30 बजे और मून लाइट पड़ती थी, तो ये जितने भी आप नग देख रहे हो चमकते थे, लाइक इट यूज टू शाइन इन द नाइट ब्लू, मतलब पूरे फुल मून में। बट 1984 में जो है इसको ऐसा बंद कर दिया गया, मतलब क्या बोलूँ मैं। जो नदी देख रहे हो आप, दैट इज यमुना। टॉम के ऊपर जो हुक दिख रहे हैं छोटे छोटे हुक काले काले, जो 1971 में गए, हाँ हुक है ना, हुक है 1971 में, हाँ इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था ना बांग्लादेश के चक्कर में, तो उसको ब्लैक कपड़े से ढक दिया था ताजमहल। अच्छा, तो दुश्मन इस पे जो है बमबार्डिंग ना करे। ओके ओके, मैं निकल रहा हूँ बाहर, अब जो है वहाँ जाके मेन फोटो खिंचवाऊंगा पूरे ताजमहल का। मस्ट विजिट यार, मस्ट विजिट। मैं निकल रहा था ताजमहल से और गर्मी थी, घर चाय पीने का वक्त है, लेकिन हमने पी है एक पुष्पक से। अगर आप कभी आगरा में हो तो यहाँ से बादाम मिल्क जरूर पीना, मतलब बादाम मिल्क पिया है, बहुत ही उमदा है, 50 रुपये का है, पूरी मलाई लाई थी, बहुत ही मज़ेदार था। हम बैक टू द होटल और अभी हम बादाम शेक पी के आए हैं, बहुत अच्छा लगा, क्या मज़ा आया यार। मतलब देख फोटोज़ में हम देखते थे ताजमहल, की रिंग्स में देखते थे, लेकिन जब रियल में देखा तो समझ में आया कि असली सुंदरता क्या होती है। एक एक स्टोन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, कहाँ कहाँ, इटली, एक एक स्टोन। और मैं बता दूँ आपको, 4 करोड़ में बना था, 1631 में 4 करोड़ का बना था, मतलब आज की रेट में वो 4000 करोड़ है। अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे, 15 रुपये था सोना, 15 रुपये पर तोला। मेस्मराइजिंग।